वंस अगेन टू द अवल अकेडमी ऑफ एजुकेशन। अज आपां पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की क्लास नौवीं का मैथ का दे दो जिहड़ा अपना चल रहा है अभ्यास पहले आप 2.2 किया अज 2.3 शुरू करांगे क्योंकि यह अध्याय वोकल नाल संबंधित है इसलिए आपां वोकल नाल संबंधित जो रिमाइंडर थ्योरम जिन्होंने आप बाकी थ्योरम भी कह दें पंजाबी करा इस अनुसार जो आप किसी बहुपद पी एक्स जो कि एक या एक तो वह एक तो बराबर वाला बहुपद हो गए इसी करके आप रेखी बहुपद कह दें हाँ तो जिसन आपसे एक्स माइनस ए नाल भाग करिए एक्स जो है ये मिलता है ये किदा मिलता है ये आप इस अभ्यास में देखेंगे। ठीक है जी हूँ अभ्यास 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा क्वेश्चन वन। ठीक है पहला क्वेश्चन वो क्या है कह रहा है जी कि एक्स की तीन जमा 3x² प्लस 3x+1 हेठ लिखे नाल भाग देने बाकी लंबा। एक्स दी तीन प्लस 3x² प्लस 3x+1 हेठ लिखे नाल भाग देना है पहला पार्ट क्या है जी x+1। ठीक है हूँ जो अपने को दिता होया बहुपद बहुपद है जो वो क्या है पी एक्स कह लो एफ एक्स कह लो जो भी है पी एक्स बराबर एक्स दी तीन प्लस 3x² प्लस 3x+1। ठीक है दे दिते हुए बहुपद ये हो गया विच आप क्या करेंगे x+1 बराबर 0 लैन। ठीक है एक्स बराबर हो गया -1। ठीक है हूँ आप क्या करेंगे देयरफॉर एक्स बराबर माइनस का मान पी एक्स विच रखन ना। ठीक है तो हूँ पी एक्स क्या है ये आप रख देंगे एक्स की थान -1। ठीक है ये बन गया माइनस दी तीन प्लस 3 -2 प्लस 3 -1+1। ठीक है -1 का मान अपने ये रखता एक्स की थाने तो -1 प्लस प्लस माइनस माइनस -1 रह गया -1 प्लस 3 -3 प्लस 1 ए कट गया माइनस ना प्लस का 3 माइनस के 3 ना कट गया उत्तर आ गया 0। ठीक है इस तरह अपन बाकी लगना है तो देयरफॉर बाकी बराबर 0। ठीक है जी ये हो गया इसका पहला पार्ट हूँ दूजा पार्ट क्या है एक्स माइनस 1/2 उस तरह दिता हुआ बहुपद पी एक्स विच बहुपद पी एक्स अपना वही हो गया एक्स दी 3 प्लस 3x² प्लस 3x+1 विच एक्स माइनस 1/2 बराबर 0 एक्स बराबर 1/2 ये दो जगह एक्स बराबर 1 उधर रखन ना। ठीक है तो ये बन गया जी पी एक्स बराबर 1/2 दी 3 एक्स की थान में अपना हूँ 1/2 रख देंगे प्लस 3 1/2 प्लस 1 बन गया 2 × 4 × 8 1/8 बन गया प्लस 2 × 4 3 × 3 3/4 बन गया प्लस 3/2 बन गया प्लस 1। ठीक है जी
अन्ना कर लगे तुम हूँ 8-4 2 का एलसीएम सारे एको पार्ट के जाते हैं तो वाडा कौन है 8 तो एलसीएम आ जाएगा यदा 8 ठीक है 8 में 8 ना पा दिता एक आया एक एक अरे अंश न मल्टीप्लाई किया गुणा किया एक 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 8 में 4 भाग दिता 2 आया 2 3 गुणा करा 3 गुणे 6 2 8 भाग दिता 4 आया 4 3 12 प्लस ये हो गया 8 एक 8 कि बन गए 12 8 20 26 और 1 27 बटे 8 देयरफोर बाकी बराबर किन्ना हो गया जी 27 बटे 8 क्वेश्चन इज सॉल्व ये थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ठीक है हूँ उस तो बाद अपन जो नेक्स्ट करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट होएगा जी थोड़ा वो है पार्ट थर्ड पीएक्स कितना है थे नहीं एक्स डी क्यू प्लस 3xd2 प्लस 3x प्लस 1 ठीक है थर्ड पार्ट च बराबर एक्स एक्स ठीक है देयरफोर एक्स बराबर 0 ठीक है देयरफोर पी एक्स बराबर क्या जाएगा एक्स की थाने 0 आ जाएगा 3 0 का स्केयर प्लस 3 0 प्लस 1 0 0 0 प्लस 1 ठीक है इक्वल टू 1 आ गया देयरफोर बाकी कितना आ गया जी इसका 1 चलो जी चौथा चौथे जो कह रहा है एक्स पी एक्स अपना वही है एक्स डी क्यूब प्लस 3x स्केयर प्लस 3x प्लस 1 और x प्लस 5 देयरफोर x प्लस 5 बराबर 0 x बराबर कितना होगा जी माइनस 5 दे x बराबर माइनस 5 देयरफोर px विच अपन माइनस 5 रख लेंगे x की थाने माइनस 5 दी 3 प्लस 3 माइनस 5 दी 2 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 1 ठीक है जी ये बन गया माइनस पाई क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया ये बन गया माइनस माइनस प्लस प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 ठीक है देयरफॉर ये हो गया अपना बाकी ठीक है अगला भी तुसी अपने आप कर सकते हो 5 प्लस 2 2 एक्स वाला 5 देखो पी एक्स बराबर एक्स डी 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ठीक है पंजे क्या करना है अपने 5 प्लस 2x ठीक है इक्वल टू 0 दो एक्स बराबर हो गया माइनस 5 एक्स बराबर हो गया माइनस 5 बटे 2 उधर जाके माइनस का हो गया 0 माइनस 5 ठीक है माइनस 5 बटा 2 देयरफॉर पी चप्पा रख लेंगे एक्स की थाम में माइनस 5 बटे 2 माइनस 5 बटे 2 दी 3 प्लस 3 माइनस 5 बटे 2 का स्केयर प्लस 3 माइनस 5 बटे 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5 5 25 5 125 माइनस 125 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 ये आ गया माइनस माइनस प्लस 5 5 25 25 बटा 4 प्लस 25 75 75 बटा 4 माइनस 5 3 15 बटे 2 हो गए प्लस 1 ठीक है जी
इसके बाद ओवें एलसीएम आ गया 8 माइनस 125 रह गया थे, 4 दुनी 8 75 दुनी 150 रह गया, 2 चौके 8 15 चौके 60 रह गया प्लस 8 एकम 8 ठीक है जी। तो हूँ प्लस दे किन्ने हो गए 150 प्लस 8 158 158 माइनस दे किन्ने हो गए 125 जमा 60 185 158 माइनस 85 185 माइनस 158 माइनस 27 रह गया माइनस 27 बटे 8 देर फोर बाकी किन्ना बचे अपना बाकी बराबर माइनस 27 बटे 8 ये थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है जी ठीक है। आराम ध्यान नाल सोच समझ के करो तो मैथ बहुत ईजी होंगे है बेसिक क्लियर करोगे तो पहला मैथ ईजी रहेगा ठीक है। हूँ प्रश्न संख्या 2 वो कह रहा है जी कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए नू एक्स माइनस ए नाल भाग देने ते बाकी लगो ठीक है। तो हल हो जाएगा मन लो पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए ठीक है। एक्स माइनस ए नो भाग देना है ठीक है जी। एक्स माइनस ए बराबर जीरो देर एक्स बराबर आ गया जी ए देयरफॉर एक्स का मान पी एक्स विच रखा ना तो पी एक्स ए की थां में ए हो जाएगा ए बन जाएगा जी ए दी क्यूब माइनस ए ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए बन गया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए ठीक है जी। तो ये कट गया 6 ए चो एक ए चला गया ए बच गया 5 ए देयरफॉर बाकी कितना आ गया जी 5 ए अपना उत्तर आ गया। हूँ प्रश्न 3 है जो हल दा तो कह रहा है कि जांच करो कि 7 प्लस 3x 3x दे 10 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। जे तैन सॉल्व करने 0 आ गया तो गुणनखंड है अगर नहीं आया तो गुणनखंड नहीं। मान लो उदा ही मान लो पी एक्स बराबर 3x ਦੀ 3 ਪਲੱਸ 7x ਹੁਣ 7 ਪਲੱਸ 3x ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇਖੋ 3x ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ 7x ਬਰਾਬਰ ਮਾਈਨਸ 7 ਬਟਾ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ x ਦਾ ਮਾਨ px ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਠੀਕ ਹੈ। px ਕੀ ਹੈ a px माइनस 7 बटा 3 बराबर 3 माइनस 7 बटा 3 दी 3 प्लस 7 माइनस 7 बटा 3 ठीक है जी। ये बन गया 77 3 गुणा माइनस 343 बटा 3 27 प्लस इन्हू करांगे तो ये बन गया सॉरी माइनस 77 बटा 3 ठीक है। ये बन गया 327 तो ये बन गया जी माइनस 343 बटा 9 माइनस 49 बटा 3 ठीक है जी। एलसीएम आ गया 9 तो ये बन गया माइनस 343 3 3 9 49 3 ना करांगे अपना 927 4 12 14 147 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 10 दी 0 4 4 8 9 3 4 माइनस 490 बटा 9 जो कि 0 क्योंकि p माइनस 7 बटा 3
इक्वल टू माइनस 490 बटा 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0 जो कि 0 बराबर नहीं है। देयरफॉर एक्स माइनस ए पी एक्स दा गुणनखंड खंड नहीं, ठीक है जी। ये हो गया अपनी फाइंडिंग्स, ये अपन ने फाइंड कर ली। सो ये जी बस ये सी बच्चों अपना एक्सरसाइज अभ्यास 2.3। इस तो पहला वाले अभ्यास तो साढ़े पुराने वीडियो विच देख सकते हो, ये हो गया अपना 2.3, ठीक है। जे तुहानू ये समझ आया अच्छी तरह तां इहनूं वध तों वध लाइक शेयर सबसक्राइब करो ताकि होर बच्चों नूं इहदी हैल्प हो सके। तां दूसरे बच्चों भी साडा चैनल सबसक्राइब कराओ ताकि उन्होंने भी अपना काम करने आसानी रहे, ठीक है जी। हूँ नैक्सट वीडियो तक सत श्री अकाल, अगले वीडियो फिर मिलेंगे नवी एक्सरसाइज नवे काम के नाम। उदों तक प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, दोहराई करो। थैंक यू, धन्यवाद।